वेलकम यू ऑल इन TRLSS वीडियो लेक्चर्स। और इस वीडियो लेक्चर्स में क्विकली हम लोग 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गेट सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करेंगे, जो कि लास्ट 3 डेज में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है गेट में वो हो गया आइगन वैल्यूज और आइगन वैक्टर्स के ऊपर। तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, और आइगन वैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग ये इक्वेशन का यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकेंड जो है इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशंस दिए हुए हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। तो इसमें डेल्टा फाइंड आउट करना रहता है, Δ1, Δ2, Δ3, और फिर XYZ को फाइंड आउट करते हैं। और अगर हमारा Case 1 यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो Δ≠0 होना चाहिए, और Case 2 नो सॉल्यूशंस के लिए Δ0 और एटलीस्ट Any 1 अमॉन्ग Δ1, Δ2, Δ3 नॉन जीरो होना चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए Δ, Δ1, Δ2 सारे वैल्यू 0 होने चाहिए। मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड है, सिंगल वेरिएबल से हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव्स को 0 से इक्वेट करते हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव्स को चेक करते हैं। यदि सेकंड डेरिवेटिव्स का वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो उस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम होता है, और सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 आ जाए तो उस पॉइंट्स पर फंक्शन जो है मिनिमम होता है। मैक्सिमम मिनिमम 2 वेरिएबल फंक्शंस में इस तरीके से यूज़ करते हैं, पहले Δu/Δx को और Δu/Δy फाइंड आउट करते हैं, फिर 0 से इक्वेट करके फिर एक्स और वाई निकालते हैं, और उसके बाद उसमें हम लोग ये तीनों कंडीशंस को चेक करते हैं। अगर ये कंडीशंस आ जाए तो हमारा UXY मैक्सिमम होता है एट दैट पॉइंट्स। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो उसमें मिनिमम होता है, और यदि Δ2u/Δx² × Δ2u/Δy² ये वैल्यूज़ जो है लेस और इक्वल टू 0 आ जाए तो सैडल पॉइंट कहते हैं, नो मैक्सिमम नो मिनिमम एग्जिस्ट होता है। उसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला जो है Δf·Vu/Mag·Vu है, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन निकालने का फॉर्मूला Δf, और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन Δ·F निकालते हैं, और कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन Δ×F होता है जो क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा निकालते हैं हम लोग, और डेल होता है IΔ/Δx + ΔΔy + kΔ/Δz। उसके बाद देखते हैं हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। अगर हो FD=Y=X इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करते हैं, यदि हमारा FD 0 है तो फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ डी, और यदि हमारा RHS 0 है, अगर x 0 है तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन इज कंप्लीट सोल्यूशन होता है, यदि X≠0 है तो उस समय पार्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड आउट करना पड़ता है, तो CA+PI कंप्लीट सोल्यूशन होता है। अब कंप्लीमेंट्री फंक्शन में अगर रूट्स सारे रियल एंड डिफरेंट हो तो इस तरीके सोल्यूशन होता है, यदि ऑल रूट्स आर कोई दो रूट्स मान लो सेम है और बाकी सब डिफरेंट है तो सोल्यूशन इस तरीके से होता है, अगर इमेजनरी हो तो सोल्यूशन हमारा कुछ इस तरीके से होता है। पार्टिकुलर इंटीग्रल्स को इस तरीके से फाइंड आउट, यदि X=e^x है तो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का ये मेथड्स हो गया, और X=sin x और cos x है तो पार्टिकुलर इंटीग्रल को हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, और यदि x हमारा X·m हो तो ये फार्मूला हम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 − d²−1 को 1 + d + d², d³, d⁴ इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में अगर x > a < b हो तो a·b फंक्शन xdx होता है। न्यूटन ऑप्शन मेथड xi+1 = xi − f(xy − f′xi) / f′xi होता है। सिम्पसन्स वन थर्ड रूल में हम a·b (xdx) h/3 फर्स्ट ऑर्डिनेट्स पर लास्ट ऑर्डिनेट्स +4 × ϕ1 y3 up to yn − 1 +2 × y2 y4 up to yn − 2 करते हैं, जहाँ h जो है b − a/n होता है। सेकेंड मेथड का ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद सिम्पसन 3/8 रूल में a·b (xdx) 3h/8 फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट +3 × y1 + y2 y4 y5 और +2 × y3 y6 yn − 3 करते हैं। एक्सपेक्टेशंस ऑफ रैंडम वेरिएबल निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स को इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, और तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एनालिटिक फंक्शन अगर फाइंड आउट करना है और इस तरीके से, तो Δu/Δx Δv/Δy के बराबर हो, या फिर Δu/Δy − Δv/Δx, यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो फंक्शन ऑफ जेड जो एनालिटिक होता है। रेसिड्यू थ्योरम क्या होता है, 2πa · ∑ of residue of the singular points within C होता है, इस तरह इंटीग्रेशन करने के लिए। रेसिड्यू निकालने का यही तरीका है, नॉन रिपीटिंग पोल्स हो तो @z = (z→a) z − fz, और रिपीटिंग पोल्स के लिए ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर अगर इस फॉर्मेट में हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरीके से निकालते हैं, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हो तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग इस तरीके से चेक करते हैं, पहले अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो एग्जैक्ट हो गया,
और इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस दो टर्म्स ऑफ एन विच आर फ्री फ्रॉम एक्स डी वाई प्लस सी, ये सोल्यूशन होता है। लाप्लास का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी जो है जीरो टू इन्फिनिटी इधर माइनस एस टी फंक्शन ऑफ टी डी टी होता है, और एफ डेस टी का ये फार्मूला हो गया। फूरियर सीरीज का फॉर्मूला हो गया एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो बाई टू समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। इंटरवल ध्यान रखना पड़ता है, यदि सी प्लस सी टू पाई है तो ये ए जीरो निकालने का, ए एन निकालने का, ये बी एन निकालने का फॉर्मूला है, और ये हाफ रेंज साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज का ये फॉर्मूला हो गया। यदि इंटरवल हमारा सी और सी प्लस ट्वेल्व है तो उस केस में फूरियर सीरीज का फॉर्मेट ये होता है और ए जीरो एन हमारे इस तरीके से निकालते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हम लोग आते हैं स्टॉपिंग साइन डिस्टेंस निकालने का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस जो वी टी प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी प्लस माइनस एन परसेंट होता है, जहाँ वी मीटर पर सेकेंड में टी रिएक्शन टाइम है, एफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एन ग्रेडियंट हो गया, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। ओवरटेकिंग साइन डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला, डी वन निकालते हैं, फिर डी टू निकालते हैं, फिर डी थ्री फाइंड आउट करते हैं। ओ एस डी जो निकालते हैं हम लोग उसमें डी वन प्लस डी थ्री, डी टू लेते हैं वन वे ट्रैफिक में, ओ एस डी टू वे ट्रैफिक में डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री लेते हैं। मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन थ्री टाइम्स ओ एस डी होता है, और डिजायरेबल ओवरटेकिंग जोन फाइव इंटू ओ एस डी होता है। ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला हो गया, मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। मैकेनिकल वाइडनिंग एन एल स्क्वायर बाय टू आर होता है प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग वी बाई नाइन पॉइंट फाइव अंडर रूट आर होता है, वेयर एन जो है नंबर ऑफ लेन है, एन लेंथ ऑफ व्हील बेस है, आर रेडियस ऑफ कर्व है, वी स्पीड है। ये ग्रेड कंपनसेशन निकालने का फॉर्मूला, यदि ग्रेडियंट लेस और इक्वल टू 4% है तो नो ग्रेड रिक्वायरमेंट ग्रेड कंपनसेशन, ग्रेडियंट अगर 4% से ज़्यादा है तो ग्रेड कंपनसेशन इज रिक्वायर्ड, और ग्रेड कंपनसेशन जो है मिनिमम ऑफ दिस टू होता है, ये ध्यान रखना है। और कंपनसेटेड ग्रेडियंट होता है रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। उसके बाद लेंथ ऑफ समिट कर्व निकालने का, जो लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइन डिस्टेंस हो तो इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालने का ये फार्मूला हो गया, और व्हेन व्हील बेस इज रोटेटेड अबाउट इनर एज तो उस केस हम लोग इस फार्मूले से निकालते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेबस्टर मेथड। ऑप्टिमम साइकिल टाइम निकाल 1.5 एल प्लस फाइव वन माइनस वाई, जहाँ एल जो है हमारा टोटल लॉस टाइम है, वाई टोटल क्रिटिकल फ्लो रेशियो है, क्रिटिकल फ्लो रेशियो होता है नॉर्मल फ्लो बाय सेचुरेशन फ्लो, और यदि इफेक्टिव ग्रीन टाइम निकालना हो पार्टिकुलर क्रिटिकल फ्लो रेशियो के लिए तो वाई वन बाई वाई सी जीरो माइनस एल, जहाँ इंडिविजुअल क्रिटिकल फ्लो रेशियो बाय टोटल फ्लो रेशियो, ऑप्टिमम साइकिल टाइम माइनस टोटल लॉस टाइम। कैपेसिटी स्पीड इंटू जेम डेंसिटी होता है क्यू बराबर वी इंटू की, वी वी जो फंक्शन ऑफ के है गिवन, क्यू बराबर फंक्शन ऑफ के इंटू के हो जाता है, और मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए डी क्यू बाई डी के जीरो से इक्वेट करते हैं, फिर वैल्यूज ऑफ के फाइंड आउट करते हैं, फिर वी को फाइंड आउट करते हैं, और फिर क्यू बराबर वी इंटू के फाइंड आउट करते हैं। फिर मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन का ये सारे स्टेप्स हो गए, स्टेप वन में ये फाइंड आउट करते हैं, स्टेप टू में हमारा ये हो गया, स्टेप थ्री और फोर में मार्शल, ये हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फिर थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी जो निकालने का फार्मूला हो गया, वो डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू फोर, और ये सारे हैं हमारे फार्मूलास, जहाँ डब्ल्यू वन वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, डब्ल्यू टू वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट, और ये सारे डिटेल्स यहाँ दिए हुए हैं। उसके बाद क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल लोड निकालने का ये फार्मूला है, 365 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 बाय आर, व्हीकल डैमेज फैक्टर, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये सारे डिनोमिनेशन है इसके। और स्पेशल केस ये ध्यान रखना, यदि कंस्ट्रक्शन विल कंप्लीट इन एन ईयर बट, तो उस केस में नंबर ऑफ ए जो है निकालना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन से पहले का अगर डेटा दिया हुआ है तो ए हमारा नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स पर डे व्हेन कंस्ट्रक्शन विल कंप्लीट एडेस प्लस बराबर 1 प्लस आर टू द पावर एन डेस होता है, जहाँ एडेस हो गया गिवन बिफोर कंस्ट्रक्शन, और यहाँ ये फार्मूला यूज होता है। ये रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस निकालने का फार्मूला हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो निकालने का ये फार्मूला हो गया। स्ट्रेस कम्बिनेशन निकालने, समर सीजन का ये फार्मूला हो गया, और विंटर में स्ट्रेस कम्बिनेशन का ये फार्मूला हो गया। इंजीनियरिंग, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में पी एच निकालने का माइनस लॉग एच प्लस आइन बेस टेन हो गया, पी ओ एच माइनस लॉग ओ एच माइनस बेस टेन, और ये सारे फार्मूलेस हो गए पी एच निकालने के। और हार्डनेस का ये फार्मूला हो गया, वेट ऑफ कैल्शियम आयन इन मिलीग्राम 50/20, वेट ऑफ मिलीग्राम एम जी 2+ इंटू 50/12, और यदि टोटल हार्डनेस को मिली इक्वेलेंट में दिया हुआ है कैल्शियम आयन का तो ये फार्मूला यूज़ होगा हमारा हार्डनेस निकालने का। मेजर सोर्स ऑफ अल्कलिनिटी ये होता है सी ओ थ्री टू माइनस एस सी ओ थ्री माइनस ओ एच माइनस। कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है, मिनिमम टोटल हार्डनेस एंड अल्कलिनिटी होता है, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होता है टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस।
ओवर फ्लो रेट क्या होता है हमारा, डिस्चार्ज बाय सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेड टैंक्स लेंथ ऑफ टैंक टू विड्थ ऑफ टैंक, और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सर्कुलर टैंक जो होता है पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है अगर बेस का, और 1 mm/s को इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, 1 mld 10^6 (10⁻³) मीटर क्यूब पर डे होता है, और 1 m³ 1000 L के बराबर होता है, तो 1 L 10⁻³। और उसके बाद सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला g/10 g-1 d²/ν, और जहाँ पर हमारा ये फार्मूला तभी यूज़ करेंगे जब पार्टिकल d लेस देन 0.1 mm हो। उसके बाद हम देख सकते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी, कैनोमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर के बराबर होता है, और परसेंटेज रिमूवल या फिर एफिशिएंसी जो होता है सेटलिंग वेलोसिटी बाय सरफेस ओवर फ्लो रेट इंटू 100 होता है। BOD का ध्यान रखना है, BOD बेस ई अगर दिया हो क्वेश्चन में तो LT बराबर L0 1 e^-KT यूज़ करेंगे, K रिएक्शन रेट कांस्टेंट होता है, T टाइम इन डेज, L0 को अल्टीमेट BOD कहते हैं, यदि मान लो BOD आफ्टर 3 डेज निकालना है LT को कहते हैं, और L3 BOD आफ्टर 3 डेज निकालना, तो ये फार्मूला होगा इस तरीके से। BOD बेस 10 में हमारा ये फार्मूला यूज़ होता है, यदि बेस 10 का फॉर्मूला हो तो LT को L0 1 - 10³ - KDT होता है, KD को डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट करते हैं, डी ऑक्सीजन एनी टेम्परेचर निकालेंगे, ये फार्मूला हो गया, जहाँ T जो है टेम्परेचर है, रिऑक्सीजनेशन कांस्टेंट का ये फार्मूला हो गया, डिजोल्व वेस्ट वेस्ट और मान लो डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ वेस्ट है और यहाँ से फिर डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट है, ये रिवर में जाकर मीट करता है, डिस्चार्ज ऑफ रिवर और डिजोल्व ऑक्सीजन रिवर, तो दोनों मिक्स करने के बाद जो फार्मूला होता है क्यू, ये फार्मूला हमारा आ जाता है, वहाँ QW जो है डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट है, DOW डिस्चार्ज ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ वेस्ट है, DOR डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ रिवर है, QR डिस्चार्ज ऑफ रिवर है। इक्विवेलेंट नॉइज लेवल निकालने का फार्मूला 10 log(i) ⋅ 1 to n (10⁻¹⁰⁰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 
होटल इन्फिल्ट्रेशन इक्वेशंस का ये फॉर्मूला एफ जीरो माइनस के एस इंटू टी, और ये सारे इसके डिनोमिनेशन हो गए। एडिक्वेसी ऑफ रेनफॉल रेन गेज स्टेशन निकालने का फॉर्मूला हो गया, पहले ऑप्टिमम रेन नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन निकालेंगे इस फॉर्मूले से, फिर कोफिशिएंट वेरिएशन को इस तरीके से निकालेंगे, मीन प्रेसिपिटेशन निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, इस तरीके से निकाल लेंगे और यहाँ से एरर निकल जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं जैसे यूजिंग एन कैलकुलेट द डिसाइड नंबर ऑफ एडिशनल रेन गेज, ठीक है। उसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डेटा, तो मिसिंग रेनफॉल के लिए हम लोग इस तरीके से P1, P2, P3, PN, N1 प्रेसिपिटेशन होता है एट स्टेशन 1, 2, 3 N, और एज्यूम N1, N2, NN आर द नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन। तो मान लो PX हमारा एनुअल प्रेसिपिटेशन है स्टेशन X है, NX हमारा नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन है स्टेशन X है, तो मिसिंग स्टेशन में जहाँ प्रेसिपिटेशन है उसको इस तरीके से फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं। ध्यान रखना है इसमें कि एक तो नॉर्मल रेशियो मेथड यूज़ होगा, यदि हमारा मैक्सिमम नॉर्मल एनुअल रेनफॉल माइनस मिनिमम एनुअल नॉर्मल एनुअल रेनफॉल डिवाइडेड मैक्सिमम नॉर्मल एनुअल रेनफॉल मल्टीप्लाइड बाई 100 यदि 10% से ज़्यादा हो जाए, यदि लेस देन 10% हो विदिन 10% तो मिसिंग एनुअल प्रेसिपिटेशन एट एक्स सिंपली ये इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। अर्थमेटिक मीन मेथड से हम लोग फाइंड करते हैं एवरेज प्रेसिपिटेशन इस फॉर्मूले से, और थिसिन मीन मेथड्स में हमारा ये फॉर्मूला यूज होता है। उसके बाद ये ध्यान रखना है ये फॉर्मूला है रिटर्न पीरियड वगैरह अगर दिया हुआ तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। फाइ इंडेक्स डब्ल्यू इंडेक्स रन ऑफ निकालने का फॉर्मूला, डब्ल्यू इंडेक्स हो गया पी माइनस आर माइनस आई ए बाई टी टोटल प्रेसिपिटेशन माइनस टोटल रन ऑफ डिवाइड टोटल टाइम, फाइ इंडेक्स निकालने का प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ लेस वैल्यू देन डब्ल्यू इंडेक्स बाई टाइम लेफ्ट, और रन ऑफ निकालने का ये फॉर्मूला होगा। एरिडिटी इंडेक्स होता है पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन माइनस एक्चुअल इवेपोर ट्रांसपिरेशन बट ए पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोग्राफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ जो होता है वो होता है टोटल इफेक्टिव रेनफॉल इंटू एरिया ऑफ द कैचमेंट, और एरिया ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ जो होता है वो कैचमेंट एरिया इंटू 1 सेंटीमीटर होता है। और ये ध्यान रखना है ग्राउंड वाटर में अगर यदि फ्लो पैरेलल टू बेडिंग प्लेन है तो इस फॉर्मूले से इक्विवेलेंट परमिटिविटी निकालते हैं, और यदि नॉर्मल फ्लो का डायरेक्शन नॉर्मल टू द स्ट्रेटिफिकेशन है तो इक्विवेलेंट परमिटिविटी निकालने की ये फॉर्मूला है। H1H2HN थिकनेस है अलग अलग लेयर्स के, और K1K2KN वो सारे लेयर के,
प्रोबेबिलिटीज हैं। ट्रांसमिसिबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होगा टी बराबर के ई इंटू एच वन प्लस एच टू अप टू एच एन। कन्फाइंड एक्विफर में थिम्स इक्वेशंस ये होता है, और इस इक्वेशन से हम लोग फिर डिस्चार्ज को फाइंड आउट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। अनकन्फाइंड एक्विफर निकालने का फॉर्मूला ये होगा डिस्चार्ज पाई के एच टू स्क्वायर माइनस एच वन स्क्वायर लॉग आर टू बाई आर वन, और स्पेशल केस के लिए ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन पोरोसिटी के बराबर होता है। वॉल्यूम वाटर पम्प्ड आउट जो होता है चेंज इन स्टोरेज मैंने को कहते हैं, और एस वाई स्पेसिफिक यील्ड इंटू एरिया इंटू डिफरेंस इन वाटर टेबल होता है। और इक्विवेलेंट परमिटिविटी यदि के एक्स के जेड गिवेन हो तो के इक्विवेलेंट अंडर रूट के एक्स इंटू के जेड होता है, और इक्विवेलेंट परमिटिविटी यदि के एक्स के वाई के जेड आर गिवेन हो तो इक्विवेलेंट परमिटिविटी के एक्स इंटू के वाई इंटू के जेड के पावर 1/3 होता है, यदि फ्लो जो है 3D फ्लो इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन हो। तो अभी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फार्मूला को रिवाइज किए, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट 50 जो बच्चे हुए फार्मूला उसको रिवाइज करेंगे, जिससे आप लोग को क्विक रिविजन्स में काफ़ी हेल्प मिल सके गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।